हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मोल साइंस का 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है द वर्थ ऑफ मनी, मनी की कीमत। चिल्ड्रन, टुडे मनी हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ। आज हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मनी, जिसके बिना हम कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकते। एंड इट्स अवेबिलिटी सॉल्व वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। और हमें बहुत ही कम उम्र में सीख जाना चाहिए कि किस तरीके से मनी का सही यूज़ किया जाए। एंड यू मस्ट बी गेटिंग पॉकेट मनी, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम योर एल्डर। ज़रूर आपको पॉकेट मनी मिलती ही होगी और कुछ अमाउंट अपने एल्डर से मिलता होगा जब डिफरेंट ओकेशन होता है। तो ऐसे में आपको मनी का ऐसी जगह स्पेंड करना चाहिए जो यूज़फुल हो, जो आपके लिए ऐसी चीज़ें खरीदनी चाहिए जो यूज़फुल हो, है ना। और उसके बाद में जो बची हुई जो अमाउंट है उसे हमें बचानी चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको काम आ सके। तो चिल्ड्रन, स्पेंडिंग मनी इज़ अ वेरी ईजी, हाउएवर अर्निंग इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट। यू शुड नॉट स्पेंड मनी ऑन वेस्टफुल एंड अननेसेसरी थिंग। नेवर बिकम अ स्पेंड थ्रिफ्ट और एक्स्ट्रा वेजेंट, यानी आपको बिल्कुल फिजूल खर्ची जो होती है वो नहीं करनी चाहिए। आपको मनी को बचाना चाहिए और जब इम्पोर्टेंट आपको कुछ ख़रीदना हो, जो चीज़ नेसेसरी आपके लिए, ऐसी चीज़ों पर मनी को स्पेंड करना चाहिए। सो वाइल स्पेंडिंग मनी एक्ट वाइजली एंड यूज़ योर इंटेलिजेंस। नेवर वेस्ट योर मनी ऑन बाइंग टू मैनी चॉकलेट्स और टॉयस। बहुत सारी चॉकलेट्स और टॉयस खरीदने में आपको मनी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेव इट फॉर एसेंशियल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी, जिससे हमें सीखेंगे कि किस तरीके से जब हम मनी को बचाते हैं तो यूज़ आता है हमारे फ्यूचर में। तो बहुत अच्छी स्टोरी है मोनिका सेविंग। इस स्टोरी का नाम है मोनिका की सेविंग, यानी मोनिका की बचत। मोनिका वॉज अ 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल हु लिव्ड विथ हर मदर इन द विलेज। यानी मोनिका एक 10 साल की लड़की थी जो गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। हर फादर वर्कड इन अ फार ऑफ सिटी। उनके जो पापा थे वो सिटी से बहुत दूर काम करते थे। इट वॉज दिवाली एंड हर फादर ऑल्सो केम होम ऑन द फेस्टिवल। यानी उनके फादर जो होते हैं फेस्टिवल पर आते हैं। हर फादर गेव हर 1000 रुपीज़। मोर ओवर वन ऑफ हर अंकल ऑल्सो गेव हर 100 रुपीज़। एंड मोनिका बिकम वेरी हैप्पी। शी इमीडिएटली बॉट चॉकलेट फॉर ₹50। यानी फेस्टिवल होता है, दिवाली का फेस्टिवल होता है, और मोनिका के जो फादर होते हैं दिवाली पर आते हैं और उसे 1000 रुपीज़ देते हैं, और साथ ही उनके अंकल भी होते हैं जो अंकल उन्हें 100 रुपये देते हैं। यानी टोटल मोनिका के पास होते हैं 1100 रुपीज़। बहुत ही खुश हो जाती है मोनिका और वो इमीडिएटली जाती है और चॉकलेट परचेस करके लाती है 50 रुपीज़ की। देन एट नाइट व्हेन शी वेंट टू बेड एंड शी रिमेम्बर्ड अबाउट हर मदर्स बर्थडे व्हिच वाज जस्ट आफ्टर 2 डेज़। यानी उस रात को वो जब वो बेड को यानी वो बिस्तर पर सोने के लिए जा रही होती, तभी उसे याद आता है कि 2 दिन बाद ही उसकी मम्मी का बर्थडे है और उनके लिए वो गिफ्ट परचेस करना चाहती है। बट सून शी रियलाइज्ड दैट हर मदर हैड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट शी कुड बाय फॉर हर। यानी उसको फिर से रियलाइज़ होता उसी समय कि उसकी मम्मी के पास तो वो सारी चीज़ें हैं जो उनको गिफ्ट में देना चाहती है। सडनली एन आइडिया स्ट्रक हर माइंड। उसी समय उन्हें आइडिया आता है और अगले ही दिन जो होता है वो बर्थडे कार्ड लेकर आती है अपनी मदर के लिए और साथ ही एक लेके आती पिग्गी बैंक। और शी स्पेंड ₹50 ऑन बोथ द थिंग्स। यानी दोनों चीज़ खरीदने में उसे 50 रुपये खर्च होता है। आफ्टर कमिंग होम शी पुट द बैलेंस ₹1000 इन द पिग्गी बैंक। जब वो घर पे आती है उसके बाद में जो बची हुई 1000 रुपये होती है वो पिग्गी बैंक के अंदर रख देती है और उसके बाद में वो कार्ड के अंदर बहुत ही सुंदर कविता अपनी माँ के ऊपर लिखती है। एंड शी गेव द कार्ड ऑन टू हर मदर ऑन हर बर्थडे। वो अपनी माँ के बर्थडे के दिन उस कार्ड को अपनी माँ को देती है। एंड हर मदर बिकेम वेरी हैप्पी एंड प्रेज्ड हर फॉर हर क्रिएटिविटी। After nearly a month, one day while walking, her mother slipped and fell on the ground. तो जब वो गिर जाती है उसकी माँ स्लिप होकर, तो उसके पैर में, उसकी माँ के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो बहुत ही डिसकम्फर्ट फील करती है। एंड मोनिका एडवाइज हर मदर टू विजिट अ डॉक्टर। एट दिस
हर मदर सैड आई हैव अ वेरी लिटिल मनी एट होम राइट नाउ, कि मेरे पास में तो बहुत ही कम मनी है अभी घर के अंदर, और आपके जो पिताजी है उन्होंने मुझे मनी तो सेंड की है पर वो कल शाम को आएगी, अभी बहुत ही कम मनी है कि वो डॉक्टर के पास जा सके, तो ऐसा करो कि तुम मुझे पेन किलर दे दो, सो जस्ट गिव मी अ पेन किलर, आई विल विजिट द डॉक्टर टुमोरो, मैं कल डॉक्टर के पास चली जाऊँगी। एट दिस मोनिका सेड, उस समय मोनिका कहती है, डोंट वरी मॉम, आप चिंता मत कीजिए मॉम, आई हैड सेव्ड 1000 रुपीज़, मैंने 1000 रुपीज़ सेव किया है एंड आई थिंक दैट वुड बी इनफ, मुझे लगता है कि ये इनफ है। Saying this, she brought her piggy bank and took the money out of it. वो अपना piggy bank लेकर आती है और money को उसके अंदर से निकालती है and she took her mother to the doctor, और अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाती है। The doctor's fees and crepe bandage and the medicine cost her 600. यानी जब इतना सारा जब वो खर्चा कर लेती तो भी 600 रुपीज़ ही खर्चा होता है मेडिसिन और जो डॉक्टर की फीस है उन सबको मिला करके, और उसके बाद में भी उसके पास में 400 रुपीज़ सेव होते हैं। एंड शी कैम होम एंड गेव द मेडिसिन टू हर मदर एंड वेरी सून हर मदर फेल्ट रिलीफ फ्रॉम द पेन। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और आपने बहुत कुछ अच्छा सीखा भी होगा। एंड यू नेवर नो व्हेन यू विल नीड मनी द मोस्ट एंड डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग मनी एंड नेवर वेस्ट इट ऑन बाइंग अननेसेसरी थिंग, है ना। अपनी जो सेव करने की जो आदत है, मनी को सेव करने की आदत जिसे बनाए रखें, उसको डेवलप करें, और कभी भी वेस्टेज जो थिंग्स होती है, जो अननेसेसरी थिंग्स होती है, उस पर अपनी मनी को वेस्ट ना करें। तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपना नेम लिखिए और मोर ऑफ द स्टोरी आपको क्या लगती है आप बताइए। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बाय बाय, टेक केयर, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।